माता जी नाम क्या आपका नाम क्या आपका ममता मुमताज मेरा नाम तो ममता जी ये बताइए ये कब हुआ ये कैसे टूटा ये भाई पता ना कैसे टूटा पता नहीं आपको किसने बताया ये टूट गया और ने बताया दुनिया ने पब्लिक ने अच्छा क्या काम होता था आपका यहाँ पे होटल अच्छा सेंटर हो अच्छा कितना नुकसान हो गया आपका भाई मेरा करोड़ इनको होगा करोड़ों का नुकसान कितने लोग काम करते थे आपके यहाँ भाई पतना कितने करे मैं भी नहीं है अच्छा बस आप दो ही यहाँ आए हुए हैं हाँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप यहाँ भाई कुछ मिल जाए अपनो वहाँ ढूंढ रहे हैं पहले बताया नहीं था प्रशासन ने कि यहाँ तोड़फोड़ हो रही हम्म तो क्या कहेंगे ना हमने कुछ पता भाई हमने अच्छा आपकी आवाज आप काफी भावुक लग रही है मुझे दर्द है भाई दर्द के ना अपने माल को करोड़ लाख दर्द वजह से आपको आज ये देखना पड़ रहा है उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने रियल में दंगा फैलाया हमने दंगा वाला पतना है कसने दंगा फैलाया कसने ना फैलाया हमने कुछ पतना भाई जो लोग आपको देख रहे होंगे आपका नुकसान देख रहे होंगे उनके लिए क्या कहेंगे कि आज आपके साथ क्या हुआ यहाँ कहा पत कहा कुछ पता अच्छा। भी था जो दुकान में रहता था सारा पड़ा होगा और नहीं आया आपके साथ यहाँ पे बस आप दो यहाँ पर पूरे इलाके में क्या क्या दुकानें थी यहाँ पे भाई मौत का एक दुकान क्या कहा अच्छा तो लोग तो कह रहे हैं यहाँ से दंगा फैलाया गया था हमने पता पंगा की अच्छा दंगा फैलाया फैलाया हमने पता नहीं भैया तो आप 31 जुलाई को कहा पे थी जब ये दंगा फैलाया था मैं भाई दिल्ली दिल्ली अच्छा दिल्ली से आप यहाँ आई मेरे बच्चा को ऑपरेशन खुजा पिशाब की नड़ी में उसकी दिक्कत है उसको ऑपरेशन पे जान न दंग फैले जान नजर गए हम तो अब हम कल आए हैं वहाँ से अच्छा। तो सरकार से क्या कहेंगे सरकार को क्या कहना चाहेंगे क्या ये सही हुआ भाई जैसे। अगर आपको खट्टर जी से कुछ कहना हो हम कहा भाई जी ने साला पाक ने किस्मत में लिखो अच्छा। लोगों से कुछ कहेंगे क्योंकि आपका नुकसान काफी हुआ है यहाँ पे दिख रहा है भैया अपन तो ना देख रहा हो नुकसान हुआ है ना हुआ है मुँह कुछ पता ना भाई मैं मुँह पागल है पड़ो मेरा पैसे भी थे आपके इस दुकान में मुझे पता नहीं भाई मैं तो अब तुमसे कह दी मैंने मैं ही नहीं यही नहीं मुझे क्या पता भाई आपका नाम क्या है साइना नहीं मैं नहीं आप जाओ नहीं नहीं आप बताइए तो सही क्या काम होता था पता, मुझे नहीं पता कुछ तो काम होगा आप निकाल क्या रहे हैं अपने मैं तो अपने घर दबा अच्छा, अच्छा, नीचे? हाँ, नीचे हुआ इसमें अच्छा, क्या क्या काम होता था आपके यहाँ वो थी रेस्टोरेंट था नहीं पता कितने लोग काम करते थे आपकी इस दुकान पे पता नहीं मुझे तो हमने पता नहीं हम तो घर पर रहते हैं अपने तो इस दुकान के मालिक कौन है बापू जी अच्छा बापू जी वो कहाँ है अभी पता नहीं कहाँ गए कई लोग कह रहे हैं कि आपकी इन दुकानों से यहाँ से दंगाइयों ने आतंक फैलाया था नहीं पता भाई मुझे तो आपको नहीं पता नहीं और ये दुकानें यहाँ किस तरीके की दुकानें थी क्या क्या में होता था यहाँ तो... कहते तो 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 अच्छा। कुछ मिला आपको अभी तक नहीं वो मिला कबाड़ा यहाँ अच्छा। ढूंढ रहे मतलब मिल जाए जैसे सब टूट गया कुछ नहीं बचा कितना नुकसान हुआ आपका मम्मी बता तो रही है मम्मी पता मुझे तो नहीं पता तो आप तो युवा हैं आप सरकार से क्या कहेंगे कि आपका तो इतना नुकसान हो गया है अब हम क्या कर सकते इसमें सब का ही हुआ हमारे ही हुआ हमारे थोड़ी था तो जो लोगों की जिन लोगों की वजह से आपको नुकसान हो रहा है उनको कुछ कहेंगे जिन्होंने दंगा फैलाया असली में नहीं कुछ नहीं उनको कुछ नहीं कहेंगे नुकसान तो आपको हुआ उनकी वजह से हाँ हुआ तो फिर क्या कहे मतलब फायदा क्या करने का क्या कहने का जब कुछ बचा ही नहीं था अगर आप उनके लिए कुछ कहेंगे अगर वो आगे आके अगर गिरफ्तारी दे देंगे तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये रुक सकती है नहीं कह सकते कुछ नहीं कहेंगे नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और ठीक आप ये मेरे सामने देख रहे होंगे ऐसे यहाँ पर जो पथराव हुआ था ये वही पत्थर हैं और पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो मंदिर के आसपास का इलाका था जो यहाँ पर दुकानें थी ये देखिए पूरा खंडर हो चुका है योगी आदित्यनाथ ने एक पूरे देश को मिसाल दी थी कि जहां भी उपद्रवी दंगाई कोई भी अगर दंगा करेगा तो या तो उसकी संपत्ति को ऐसे ध्वस्त कर दिया जाएगा जहां से भी दंगाइयों ने आतंक मचाया है उन प्रॉपर्टियों को ऐसे ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद तमाम जो भरपाई है उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी तो उसी का निशान यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि जो दंगाई हैं उन्होंने जहाँ जहाँ से दंगा फैलाया आज उन्हीं जगहों को ध्वस्त कर दिया गया है सीएम मनोहर लाल खट्टर के बुलडोजरों द्वारा या आप देखिए ऊपर पूरा ईंट ही ईंट आपको दिख रही होंगी और आज इन ईंटों को देख के उन दंगाइयों को सच में एक भाई का खौफ का एक वातावरण जरूर जाएगा उनको एक संदेश जरूर जाएगा कि देश में कहीं भी अगर आप अपने दंगा का आतंक फैलाएंगे तो आपका अंजाम ठीक इन ईंटों की तरह हो जाएगा जो पहले एक एक करके बनकर दीवारें खड़ी कर दी गई थी लोगों के रहने का आशियाना बन चुका था उसको इस तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया मैं कैमरा मैन को कहूँगा वो जरा ऊपर आए और यहाँ देखें तबाही का मंज़र कि बुलडोज़र ने जिस तरीके से यहाँ पर तबाही मचाई है ये देखिए लोगों की यहाँ दुकानें थी और लोगों की दुकानों को यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया क्योंकि कहा जा रहा है कि यहीं से जो दंगाई थे उन्होंने अपना आतंक मचाया था ये देखिए पूरी लाइन में ठीक मेरे सामने से आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर ये जो रोड है ये देखिए मेवात का दूसरा इलाका दिखा रहा हूँ मैं आपको जो मेन रोड है वहाँ तक पूरा आप देखिए पूरा बुलडोज़र द्वारा ध्वस्त कर दिया गया अब कुछ लोग हैं जो अपने यहाँ पर जो सामान है जिनको अपने सामान की यहाँ पर आ, अपने कुछ भी अगर उनको मिल रहा है तो उसको समेटने यहाँ आए हैं कुछ लोग ये देखिए पीछे यहाँ पर कुछ लोग आए हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ हो रहा है और क्या वो कर रहे हैं क्योंकि अब तो पूरा तहस नहस हो चुका है बुलडोज़र द्वारा और वो ये देख रहे हैं कि अगर इसमें से कुछ भी उनको कीमती चीज़ मिल जाती है तो उसको समेटना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लगे हुए हैं आप नीचे देख सकते हैं ज़मीन को खोद खोद के वो देख रहे हैं कि कुछ उनका सम, कीमती सामान यहाँ पे मिल जाए अभी हमें बता रहे थे कि वो इन्वर्टर को ढूंढ रहे हैं कि इन्वर्टर दिख जाए उन्हें तो ये देखिए लगातार आपको हर जगह तबाही के निशान मिलेंगे दूर, दूर दूर तक आपको जो ये दुकानें हैं इनके मलबे को आपको देख सकते हैं और दूर दूर, दूर तक आप देखिए जहाँ भी आपकी नज़रें जा रही होंगी पूरा ये इलाका बिल्कुल एक तरीके से खंडर में तब्दील हो गया है हर जगह मलवा ही मलवा और यहाँ पे देखिए जो लोगों के चप्पल हैं जूते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये बैनर पोस्टर लगे हुए हैं ये पायदान जो होते थे वो पायदान भी अभी यहीं पे हैं ये देखिए ये बैनर पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं ये कॉपी किताबें यहाँ पे लोगों की ये देखिए यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे तो ये तबाही का मंज़र आप देख सकते हैं हर जगह तबाही तबाही और लोगों से बातचीत करते हैं उनका क्या कहना है इस पर और जो उनका यह नुकसान हुआ है ये नुकसान वाजिब है या नहीं वाजिब है इसी का पता लगाते हैं